लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इलाज का बंदोबस्त नहीं है, लोग मर रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है और कुर्सियों पर बैठे हैं, तो कुछ शर्म भी आनी चाहिए कि ये जो जुल्म इन्होंने किए, एक तो इस इधर हम पूछेंगे और आइंदा उस दुनिया में इंशाल्लाह अल्लाह इनको सज़ा देगा। देखिए रबते मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, जहाँ पर सूट करेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, जहाँ मुझे सूट नहीं करेगा तो वहाँ तो मैं बात नहीं करूँगा। और जो कल जो फ़ैसला हुआ यकीनन कानून के मुताबिक सही फ़ैसला था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक आरओस वही चूज़ करते थे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम अपने जजेस नहीं दे सकते, तो ये एक ऐसे फसाना बना दिया। उसे शुक्र है कि कल कोर्ट्स बैठी और रातों रात फैसला हो गया, नहीं तो इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है और इस मुल्क के लिए। तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, मैं तो इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहता था कि मुझे टाइम चाहिए क्योंकि मेरी नई पार्टी है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। शमूलियतें हो रही हैं और तैयारियाँ भी हो रही हैं, ऑलरेडी हमारे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट है, वो अपना कैंपेन चला रहे और साथ साथ शामिल हो रहे हैं।